चाकी देख के दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में सांप पहचान कोई कभी। बहुत बहुत शुक्रिया भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लखनऊ, लखनऊ को इस तरह से देखना चाहिए कि कहीं भी, चाहे पूरब से चले आ रहे हों, चाहे पश्चिम से, और अगर कहीं उत्तर या दक्षिण या कहीं ना मूव करना होता है तो लखनऊ आना पड़ता है। मैं एक बार फिर से लखनऊ के बीच में, यानी कि शो मैं दो बार करके जा चुका हूँ यहाँ से, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके बीच में यहाँ हाजिर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से संजय चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत जी, हमारे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी से अजीज खान साहब, सबसे पहले मैंने इनको याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया अजीज भाई, थैंक यू सो मच। आरएलडी से रोहित अग्रवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, चाहे अयोध्या हो चाहे लखनऊ पहुँच जाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वरिष्ठ पत्रकार प्रभात जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे छोटे भाई अनुज पत्रकार जोगेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। खड़े होइए, सारा ध्यान मूंछ पे ही है आजकल तुम्हारा है? थोड़ा काम वाम पे लगाओ दिमाग पूरा। इतना कई घंटा लगाते हो मूंछ पे तुम? हाँ भैया, एक ही सेकंड लगाता। दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट मैं रखता हूं। गृहमंत्री जी ने कहा कि 380 पे चुनाव हुए और भाजपा ने बहुमत तो हासिल कर लिया है, अब वो 400 की तरफ बढ़ रही है, जो उसने कहा था। मैं 40 सेकंड पहले अजीज भाई को देता हूं, समाजवादी पार्टी के अजीज भाई। देखिए प्रतीक भाई, ये बीजेपी की आदत है। बीजेपी की आदत है? आदत क्या है वो मैं बता रहा हूं, हाँ। कि झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है, इनके जुल्मों में भी मसीहाई नजर आती है। देखिए सच ये है, कहीं दूर दूर तक, अभी तक 400 पार का नारा लग रहा था, हाँ। अब 400 हार का नारा लग रहा है, 400 हार का नारा लग रहा है। आपने गौर किया, कहीं गारंटी की बात हो रही है? मोदी की गारंटी है कोई गारंटी? अब मोदी के जाने की गारंटी लग रही है 4 जून, हाँ। हकीकत ये है, आज, हाँ। आप देखिए नौजवान खड़ा है ना, हाँ। क्या चाहता है नौजवान? क्या चाहता है सुनो ना, मैंने कहा था, मैं तुम्हारी तुम्हारे 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 बोलने की वजह से 40 सेकंड शुरू होते हैं अब। ये रही बात, देखिए हकीकत तो है कि वो नौजवान खड़ा है, नौजवान खड़ा है, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि खामोश समंदर ठहरी हवा तूफान की निशानी होती है, डर और भी ज्यादा लगता है जब नाव पुरानी होती है। जनाब खान साहब, आप ही से बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जानना चाहता हूं स्टेटमेंट के बारे में और आपकी जो चुनाव, देश प्रदेश जो कुछ भी देख रहे हैं, पहला कमेंट आपका। देखिए भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 400 पार जा रहे हैं। खान साहब अंदर आओ, खान साहब मतलब जो आप बोल रहे हैं ना वो मतलब सोच समझ गई ना, 100% इंशाअल्लाह मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिए, दोबारा 4 जून को आप आइएगा, यही 400 पार सीधे भारतीय जनता पार्टी पाएगी। खान साहब काम क्या करते हैं? रुके, खान साहब काम क्या करते हैं आप? मैं जनसेवक हूँ आप लोगों का, जहाँ जनता बुलाती वहाँ चला जाता हूँ, और मैं इस देश का एक सच्चा नागरिक हूँ, और हर वह एक देशभक्त जो भारत माता की जय कहता है मैं उसका भाई हूँ। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। उन्होंने तो पहले भी कहा था बंगाल में भी 200 पार कर रहे थे, इससे पहले 2018 में मध्य प्रदेश में भी 200 पार कर रहे थे, राजस्थान में भी 150 पार कर रहे थे। सच बात यह है कि जैसे आप अगले जन्म में पैदा बिहार में होना चाहते हैं ना, ऐसे ही मोदी जी भी अगले जन्म में जो है बंगाल में पैदा होना चाहते हैं। आप और मोदी जी एक हो गए हो। अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, अरे वाह। उन्होंने भी कहा था कि अगले जन्म मोहे बिटिया कीनो, वही बंगाल में संदेश खाली में। हार है 400 पर, क्यों है? उसके पीछे अग्निवीर है, उसके पीछे बेरोजगारी है,
उसके पीछे महंगाई है, उसके पीछे मणिपुर की महिलाओं का क्या नाम अपमान है, उसके पीछे साक्षी मलिक जैसी महिलाओं का अपमान है, उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी के झूठ छल कपट जुमले हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी इनकी सोच है कि पिछले 20 दिनों में नरेंद्र मोदी जी 20 अलग अलग मुद्दों पे आ गए, कभी मंगलसूत्र बहनों का छीनने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि साहब वो कांग्रेस जो है दो भैंसों में से एक भैंस ले जाएगी, कहते हैं दो भैंसों में से एक भैंस, हम कहते हैं ना भैया हम आपकी भैंस नहीं लेंगे, 4 तारीख को ससम्मान गाजे बाजे के साथ वापस करेंगे। अब आप बोलिए, स्वागत है एडवोकेट जी, जी जी हम ये कह रहे हैं बस 4 तारीख का इंतजार आप कीजिए। हाँ जी, सारी सभाएं सारे जुमलेबाजी सब कुछ खत्म और सत्य की जीत होगी, सत्य में हो जाते हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल जी अखिलेश जी केजरीवाल जी सब लोग न्याय की यात्रा कर रहे हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह देखिए न्याय की ही जीत में हमारी जीत यानी कि इंडिया की जीत होगी। सपा वालों ने 2022 में मंत्री तक को गुमराह कर दिया था, वो छोड़ के सपा में चले गए थे, अब वो कहीं के नहीं रहे, वापस फिर भाजपा में कहां बैठ गई इतनी जल्दी, इतना सब्र भी ठीक नहीं। सुनिए हम बिके हुए लोगों से नहीं बोलते हैं और खरीदे हुए लोगों को खरीदते नहीं। देखिए हाँ जी जी जी, जो सच बोलते हैं वो बिका हुआ, खड़े हुई है सच बोलते हैं वो बिका हुआ, जिसमें सच बोलने की ताकत हो आपने जो समझाया वो नहीं बोले तो वो बिका हुआ। मैं अगर हिंदू हूँ, मुझे समझाया गया कि तुम्हें एक सपा के खिलाफ बोलना है, अगर मैं उसके पक्ष में बोलती तो मैं बिकी हुई, मैं सच नहीं बोल सकती हूँ, मैं बिकी हुई। देखिए 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 देखिए, ये लखनऊ का कॉन्ट्रडिक्शन है, कलर है। हुसैन नाम है मेरा, हुसैन। मौलाना साहब से सवाल है, जो बीजेपी 400 पार का नारा जो दे रही है उसमें यूपी में 80 सीट है, कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया इन्होंने जो इनकी पैरवी कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, उसके बाद क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं 3 तलाक से क्या फायदा हुआ ये बता दें, बस एक दो सवाल है मेरा। बैठो, मुसलमानों का वोट लिया और उनको पंचक बनाने पे मजबूर किया, आज वो पूछ रहे हैं कि कितना कितना सीट दिया, कितना टिकट दिया। इनसे ये पूछिए, आज मोदी जी की सरकार में आज सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी ने मुसलमानों के लिए भी बराबर का अधिकार देने का काम किया है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से मदरसे के अंदर पहले 147 बरामद हुआ करती थी, आज उत्तर प्रदेश में मदरसे के अंदर बच्चों के हाथ में किताबें और कंप्यूटर देने का काम कर रही है, ये है योगी मोदी। हुसैन मैं आ गया मैं बिल्कुल दीजिएगा सब्र के साथ। हाँ हुसैन जी, इन्होंने इतनी बड़ी बात बोली है, ये बोली है, फिर मोदी जी ने अभी भाषण में क्यों बोला था कि आपका धन वो लूट के खाएंगे अगर कांग्रेस सरकार आ गया, आपका मंगलसूत्र छीन। तो भाई वो क्यों बोला था? ना जी बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मोदी जी ने इनका क्या बिगाड़ा है? ये मोदी जी उसको वोट देने का काम करते हैं जो मोदी जी को हराने का काम करते हैं। रुकिए, अगले 40 सेकंड चौधरी साहब के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का परचम फहरा रही है। याद कीजिए 2014 जब हमने कहा था कि हम 272 क्रॉस करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया। तब हमारे विपक्ष के नेता कहते थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी को भी बहुमत नहीं मिला तो मोदी जी को कैसे मिल जाएगा, लेकिन हमने उस असंभव को संभव करके दिखाया। याद कीजिए 2019 हमने कहा था 300 पार करेंगे, हम 300 पार करें, तब भी ये कहते थे कि हर राज्य में सेचुरेट हो गए हैं, उससे ज़्यादा तो पा नहीं पाएंगे, तो 300 कैसे पार करेंगे, हमने उस असंभव को भी संभव करके दिखाया। 40 सेकंड आपके। देखिए, जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हो गया था 400 पार तो उसी दिन साकार हो गया था, क्योंकि जिधर रहे। अच्छा एक मिनट को, मैं से नियम ये कहता है कि मैं टोक नहीं सकता, वाजपेयी जी नियम ये कहता, मेरा ही बनाया हुआ नियम है कि मैं टोक नहीं सकता इनको, क्योंकि फिर 40 सेकंड मुझे वहीं से देने पड़ेंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, हुजूर आली जहाँ पना मैं जानना चाहता हूँ, अगर जब आप जुड़े तब ये 400 पहुंचे, वरना ये कितने पे था ये मैं बता दूं बस तुम पहले। जिधर राष्ट्रीय लोकदल रहता है उधर ही जीत की हवा होती है, जैसे 2022 में समाजवादी पार्टी की ओर पश्चिम उत्तर प्रदेश से हमने जो हवा उठाई थी वो हवा ये कन्वर्ट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए? क्योंकि ना नियत है ना नीति है, सिर्फ लूट की
लूट की खसोट की कहीं ना कहीं आस बंधी हुई है, जैसे पेट ही नहीं भर रहा है। अरे ना भ्रष्टाचार से पेट भरता है, ना गुंडाई से पेट भरता है, ना तो बेरोजगारी बेरोजगारों का हक मारने से पेट भरता है। और अभी एक सवाल पूछ रहे थे नौकरी पे, उनके जेब के अंदर देखिए सवाल आपका मोबाइल लगा है और वो कह रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। यहाँ आपकी जनता जो बैठी है, ये कौन सी बात हो, मोबाइल से उसका बेरोजगारी से क्या मतलब है? कहाँ से आया बिना रोजगार के ये सवाल आपका? अरे वो कमाते हैं, बाकी युवा पे पूछ रहे सवाल। पूछिए रहे यहाँ पे कौन बेरोजगार है, पूछिए कौन बेरोजगार है यहाँ पे। चुपचाप नीचे करो तुम लोग, सारे लोग नीचे करो हाथ, तुम तो समिति के साथ आए हो उधर वाले। हाँ ठीक जनाब आली, आप प्रतीक भाई सुन लो बिल्कुल, अब ना तो डिबेट इज ओपन, ना तो डिबेट इज ओपन सारे लोगों के पास। जी मैं आया मैम आपके पास, डिबेट ओपन है अब जी। देखिए प्रतीक भाई, हाँ। राष्ट्रीय लोकदल के लोग जो है, हाँ। वो बीजेपी के साथ आकर के ये जुमलेबाजी भी करने लगे, इन्होंने बीजेपी से सीख लिया। एक बात आप समझिए, जो हकीकत है आज जो चुनाव है वो बेरोजगारी के मुद्दे पे है, किसानों के मुद्दे पे है, नौजवानों के मुद्दे पे है। सबसे बड़ी बात है बीजेपी ने वायदा किया था, आज देखिए पूरा जो इस देश का जो नौजवान है बेरोजगार है, चौराहों पर है, तमाम पेपर आउट हो गए, तमाम पेपर आउट हो गए, बच्चों को नौकरी चली गई, 60 लाख बच्चा चौराहों पर है, कोई पूछने वाला नहीं है। चौराहे पे खड़े होके झूठ बोल रहे हैं और आपके सामने जनता बता रही है। ईवीएम हैक का लाइक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, वो कैमरामैन से कहिए झंडा दिखाए, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन आप देखिए 1 घंटे से पिछले वो झंडा हिला रहा है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए लाइव ईवीएम हैक, ये है लाइव ईवीएम हैक। जनता के दिलों में प्यार है मोदी जी के लिए, जनता के दिलों में विश्वास है मोदी। देखिए आप ये बताइए, आप जरूर 400 पार नहीं 500 पार हुई है। आप ये बताइए कि 2017 में आपने कहा था शिक्षा में बजट का हम जो 2.6 पॉइंट करेंगे, बजट का 6% करेंगे, आज वो 2.9 क्यों है? आपने स्वास्थ्य पे कहा था बजट का हम 2.9 करेंगे, आज 1.1 से 1.3 क्यों है? 27 लाख बच्चे भूखे क्यों सोते हैं? आपको बताना पड़ेगा। आप बताइए कि 105 लोगों के पास कूलर क्यों नहीं है, 46 लोगों के पास प्रेशर कुकर क्यों नहीं है? आपको बताना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा शुरू में जब आए तो शुरू से ही झूठ की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा 15 लाख देंगे, गरीबों को छलने का काम किया। आवाज मोदी जी कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल जी मैम इनसे पूछिए कौन भूखा सो रहा है। अरे रुको भाई बोलो क्या नाम है तुम्हारा? आज की डेट में हर किसी को फ्री राशन दे रही है हमारी सरकार, कहाँ से भूखा सो रहा है कौन? इसे पूछे ना किसको सुला रहे हैं भूखा, ये किसका नाम ले रहे हैं, कौन भूखा सो रहा है देश में? वो जो 25 किलो मतलब नहीं, ये वो लोग हैं जो बता रहे हैं 3 तलाक से क्या फायदा हुआ। हाँ। ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं 3 तलाक से महिलाओं का हलाला नहीं करवा पा रहे अपनी महिलाओं का, ये वो दर्द वाले हैं, ये वो दर्द वाले लोग हैं जो बता रहे हैं 3 तलाक से क्या फायदा, महिलाओं को फायदा हुआ इनका नुकसान। देखिए प्रदीप जी, ये जनता का शो है, मैं सम्मान करता हूँ, असहमति सहमति हो सकती है, दोनों पक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, ये एक लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव चल रहा है, 4 चरण बीत चुके हैं, कोई कह रहा है 400 पार, कोई कह रहा है 400 हार, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ कि 2014 के बाद देश में जो विश्वास की एक बड़ी लकीर खींची है, वो लकीर दिखाई दे रही है आधी आबादी में भी और लोगों में भी, कहाँ रोजगार है, कहाँ बेरोजगारी है, कहाँ क्या है, किस पार्टी ने क्या नहीं किया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, इनके लिए एक काम अच्छा हो गया है कि इनके एक राष्ट्रीय नेता को एक सीट मिल गई है, माँ की पैतृक सीट रायबरेली की, वो उसको जीत लें। फिर उन्होंने एक कल सवाल किया शादी कब करोगे, तो एक काम अच्छा हो रहा है कि राहुल जी शादी पे अपना विचार विमर्श कर रहे हैं। पत्रकार आपने कहा क्या मिजाज है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो विश्वास की बड़ी लकीर के साथ आपने भी 16,000 किलोमीटर यात्रा, मुद्दे पे आइए, सरकार आ रही है वही रिपीट हो रही है, चाहे 300 आए चाहे 310 आए। ठीक जनाब अली, क्या नाम है आप? मैं आ रहा बेटा शमशेर गाजीपुरी। शमशेर गाजीपुरी और शायर वायर है? बस लिख लेता हूँ, कुछ हो जाए गुरु। क्या सुनाऊं अपने गम में हाले जिंदगी, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। क्या बात है। अब ये कौन है, ये देखिए जो रोजगारी है, हम लोग आकलन किसका करते हैं, सरकार, जो सरकार में है वो सोचते वही रोजगार है,
जो बेसरकार में अपने को रोजगार नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इतना रोजगार है, अनलिमिटेड रोजगार है, लेकिन अपने को शिक्षा, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे या गवर्नमेंट ही जॉब करेंगे तो उसको तो मैं रोजगार हूँ। और जो कर्मचारी रिलायंस है कोई भी ऐसे कंपनी में प्राइवेट कंपनी उसको अपने को रोजगार नहीं करते, इसीलिए अपोजिशन बोलती है बेरोजगारों की कमी है। अब कितना रोजगार चाहिए आपको योगी जी, आपका आकलन 40 सेकंड आपके। देखिए ये मैं डॉक्टर साहब अग्रवाल जी ने जो बात की, राजनीतिक कांग्रेस वाले बीजेपी वाले आरोप प्रत्यारोप से अलग, डॉक्टर साहब इधर आ जाइए, आ जाइए जी। डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बदलाव हुआ है, निश्चित तौर से बदलाव हुआ है। और हालांकि बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी तो लगातार चलती आ रही है इस देश में। बेरोजगारी ऐसा कौन सा दौर है आप मुझे बता दीजिए जिस दौर में बेरोजगारी नहीं रही। तो ये बेरोजगारी में निश्चित तौर से बदलाव हुआ, ये पूरा देश और बेरोजगारी और मुद्रास्फीति और पूरा महंगाई, पूरा सिस्टम जब बदल रहा है, और आप हो या कोई आप हर कोई यहाँ पर निजी संस्थानों में काम कर रहे हैं, निजी सेवाओं में हैं, तो जो आपने असगर साहब ये गाजीपुरी साहब जो कह रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि बिल्कुल निश्चित तौर से ये बात एकदम जायज है कि अभी भी कई जगहों पर मौके मौजूद हैं, लेकिन जो जरूरी सिर्फ पढ़ लेना एक काबिलियत की बात नहीं है, उसके लिए वो स्किल भी तैयार करना, इसकी ओर जो भी सरकार आती रहे या जो भी राजनीतिक दल हैं उनको काम करना चाहिए। हम लोग IIT के छात्र हैं, मैं IIT का हूँ, ये कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ सुल्तानपुर के छात्र हैं। अच्छा, MLR? हाँ, KNIT से सुल्तानपुर। हाँ, 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 हाँ। हम लोग जो देख रहे हैं कि कॉलेज आप IIT में? हाँ, IIIT चेन्नई। चेन्नई में? हाँ। और आप? मैं KNIT का हूँ। KNIT में, अब बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुको, तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं थोड़ा देर से आया, लेकिन सर मैं अपनी रोशनी को देखूंगा पहले। हम आप तो जी लिए जो जीना था, हम आप लोग जो अपना तो जीना था वो जी लिए, मैं अपनी रोशनी को देखूंगा। और दिया महत्वपूर्ण है, रोशनी चुरानी पड़े तो मैं चुराऊंगा और इन्हीं की झोली में डालूंगा। बोलो, हमारे कॉलेज में जो हम देख रहे हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, एक तो वो बहुत पुराना हो चुका है, और जो इंडस्ट्री में अंदर आओ, इंडस्ट्री की बात बोल रहे हो, IIT IIIT, ताली बजाइए इसके लिए, अंदर आओ तीनों लोग। हमको जो पढ़ाया जा रहा है, यहाँ तुम आओ, IIIT कहाँ? चेन्नई। और आप बेटा? सर, KNIT सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। और आप? KNIT सुल्तानपुर। हाँ बोलो, जो हमें पढ़ाया जाता है वो मतलब चाहिए ही नहीं कंपनी को, और जो कंपनी को अगर वो चीज़ें चाहिए ही नहीं और हमें पढ़ाई जाती हैं, ऊपर से गवर्नमेंट कॉलेज में अटेंडेंस का भी कंपलशन है 85%, तो फिर एंड में जाके क्या होता है कि यूथ के पास प्लेसमेंट ही नहीं होता है। आप IIT देख लीजिए, IIIT देख लीजिए, प्लेसमेंट 60% बच्चों का प्लेसमेंट ही नहीं है, और जिनका है भी IIT वाले भी 5 से 6 लाख की नौकरी करने में मजबूर है। 5 से 6 लाख? हाँ, IIT दिल्ली। मतलब महीने की? साल की। IIT के लिए? IIT के लिए। हमें समझ गया बेटा, तुम्हारा इशारा क्या है, कम से कम 60 लाख पैकेज होना चाहिए। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये कि यूथ कनेक्ट नहीं कर पाता पॉलिटिक्स से। जैसे यूथ बहुत अच्छी बात बोल रहा है भाई, इसको ये तो मतलब इसने आग लगा दी शो में। यूथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है पॉलिटिक्स से, क्यों बेटा? क्योंकि जब भी टीवी देखते तो बस बहस होती रहती है एक दूसरे में, पे 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 चे 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 चे, कोई मुद्दा नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या पॉइंट है क्या है। कुछ मुद्दा जो है समझ भी नहीं आता वाजपेयी जी कि क्या चाहते क्या है लोग। हाँ, उसके ऊपर सब ओल्ड एज मतलब दिखते हैं, ओल्ड एज है, रिलेट नहीं कर पाते इन लोगों से, तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब जैसे इकोनॉमिकल, सुनो, समझने की कोशिश करो, बुढ़ा गए हो तुम लोग भी, अब मुझे में ताऊ जी बड़े हैं, अरे यहाँ नहीं देना है यहाँ देना है। बातचीत के सिलसिले को शर्मा टी स्टॉल लालबाग में जोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, मुझे याद है आपने मुझसे कितने सेकंड मांगे हैं, 5 सेकंड में बात नहीं होगी, 10-15 सेकंड देंगे आपको, जरूर देंगे आपको, बात कहने का मौका मिलना चाहिए। खान साहब आपसे ही बात शुरू की थी मैंने, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बात और कहना चाहते हैं जी, मुझसे भी आपसे किसी ने पूछा था यहाँ पे कि 3 तलाक से क्या फायदा है, और भाजपा ने कितने मुस्लिमों को वोट टिकट दिया। हाँ। तो मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहूंगा, आपका कोई एक मुस्लिम नेता हो जिसका नाम बताइए, कोई नाम नहीं आगे सामने। और 3 तलाक उस घर में पूछिए जिसका बाप रिक्शा चलाता है, जिसका बाप रेहड़ी लगाता है, जिसका बाप चाय की दुकान चलाता है, जवान बेटी की तलाक हो जाता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और घर में 3 बेटियां पहले बैठी होती हैं, उस पर क्या बीतती है, वो क्या जानेंगे जो 3 तलाक का मुद्दा बनाते हैं। ठीक है, मैं अब बोलो सर, अभी जो भी एक यूथ को पॉलिटिक्स ना समझ आने वाली बात हुई थी, तो वो IIIT के सर, आपने ताली तो बहुत बजवा दी उनकी बात पे, लेकिन एक बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का यूथ देखना चाहेगा इंस्टाग्राम, उस पर देखेगा किम किरदाशिया को, और फिर कहेगा कि हमको पॉलिटिक्स नहीं समझ आती है। ठीक है सर, बेटा
तुम्हारा विषय कुछ और भी होना चाहिए, इसके बाद एक और एमए करो। बेटा सच बताऊं, अगर किम में ज्यादा आकर्षण लग रहा है तो हम तो वही देखेंगे। तुम्हारी राजनीति तो सड़ी गली तालाब सी हो गई है, जिसमें मछलियां भी जो हैं अब नहीं जीवित हैं। तो मैं तो वही देखूंगा बेटा, आकर्षण पैदा करो, और ऐसा आकर्षण पैदा करो जिसमें बात मूंछ की ना हो, दिमाग की हो। तो अगर तुम किम से ज्यादा आकर्षण राजनीति पे पैदा कर दो तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। आ जाओ, क्या नाम है? पीसी चौबे। हाँ पूछना उनसे, चौधरी साहब से। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि बच्चों के कापी किताब पे भारतीय जनता पार्टी 28% जीएसटी लगाई है और डायमंड हीरे पे 3%, ऐसा क्यों? और उसके बाद पूना वाला बोलता है, पूना वाला बोलते हैं उनसे इन्होंने इलेक्ट। भाई देखो अभी तो आ जाके तुम्हें बहस ना करो यार, सवाल तो पूछने दो ना उसको, इतनी मिर्ची काहे लगने लगती तुम्हें। उनसे इन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोरोना वैक्सीन का पैसा लिया और वो बोलते हैं पूना वाले कि मैं वैक्सीन वापस ले लूंगा। जो आज हमारे 140 करोड़ जनता का हार्ट अटैक पड़ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और कोर्ट में कबूला भी है कि हाँ ऐसा ये होता। बैठ तो जाओ सर, अभी जनाबे आली मैं जिंदा। नो नो नो, तुम ही बोलोगे और आप बैठिए। अरे बैठो। हाँ क्या कह, बैठिए मैडम, आप बैठिए। अभी आपको जुमा जुमा 4 दिन हुआ राजनीति में, क्या बोल रहे थे आप? कोरोना वैक्सीन का, कोरोना वैक्सीन का जो कोर्ट में बयान दिया। एक बात बताओ, क्या नाम आपका? पीसी चौबे। चौबे बच तो गए हो यार तुम, है कोरोना बच गए। और एक चीज और गारंटी, मरी हो ना है तुम, बचे रहो, लगवाए रहो ना। अरे मेरे भैया, कोई बीजेपी के कार्यालय में वैक्सीन बन रही थी क्या? नहीं लगवाया था ना, हमको डाउट था कि इतना जल्दी वैक्सीन बन करके और लग नहीं सकता। कहां गए राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी? तभी मैंने, बैठ के चुपचाप, मैंने तभी कहा था कि आपके किम में ज्यादा आकर्षण है, तुम्हारी राजनीति सड़ी गली हो गई है। यह व्यक्ति कहता है खड़े होके कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई क्योंकि तुम्हारी वैक्सीन पे मुझे शक था और तुम्हारी वैक्सीन से हार्ट अटैक आ रहा है। तो कुछ छात्र यहाँ आके ये कहें कि मुझे राजनीति में आपके आकर्षण न, जाइए बैठिए जाके जी। सर ये जो कोरोना से ये इन्होंने बात करी है कि रिएक्शन हो रहा है, सर ये रिसर्च आई है, ये रिसर्च है कि 10 लाख में से सिर्फ 1 पे साइड इफेक्ट है। अरे जो तुम डोलो खाते हो ना डोलो, उसमें भी 0.001% रिएक्शंस के तो चांसेस हैं। नाम आपका? सतपाल सिंह छाबड़ा जी, बोलिए। न 400 की बात कर न 500 की बात कर, न 400 की बात कर न 500 की बात कर, शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य महंगाई नौकरी सुरक्षा की बात कर, शिक्षा महंगाई स्वास्थ्य नौकरियां सुरक्षा की बात कर। हम लोग ये लोग क्या है, भाजपा वाले मुर्दों पे राजनीति करते हैं, जवानों पे किसानों पे राजनीति करते हैं। गठबंधन जो है मुद्दों की राजनीति करता है और यकीनन 2024 में गठबंधन की सरकार देश के पटल पर आएगी, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जी। बोलो बोलो, बिल्कुल शिक्षा पे बात होनी चाहिए, शिक्षा में मोदी जी की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई। सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई गुंडा अपराधी की हैसियत नहीं है कि किसी भी बहन बेटिया को छेड़ दे। रोजगार पे बात कर लीजिए, रोजगार पे मोदी जी की सरकार, चाहे MSME के तहत हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया के तहत हो, चाहे स्किल इंडिया के तहत हो, अनेकों तरीके की योजनाओं के साथ युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही हो। आज जिस प्रकार से किसानों के लिए पहले विधायक निधि होती थी, सांसद निधि होती थी, आज मोदी जी की सरकार ने सांसद किसान निधि देने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जिस प्रकार से रोडें बन गई हैं, उसमें क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है क्या? जी अजीत साहब, हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चलेंगे, किसने कहा था? मोदी ने। सुनिए ना, हवाई जहाज तक ठेके पे दे दिया, ट्रेन दे दिया, BSNL दे दिया, अब क्या बचा? 10 साल का हिसाब दीजिए,
सारे के सारे हिसाब देता हूँ। अभी मैं 5 दिन पहले उत्तराखंड में था, पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच की फ्लाइट 1,000 रुपए की है, और आज उत्तराखंड में दूर गांव में और पहाड़ पर रहने वाला आदमी 1,000 रुपए देकर उसमें ट्रेवल कर रहा है, वो हवाई चप्पल ही पहने हुए। ये बदला हुआ है। 74 एयरपोर्ट थे 14 तक, आज 152 एयरपोर्ट हैं, और ये आम आदमी उस एयरपोर्ट में हवाई जहाज में बैठ रहा है हवाई चप्पल पहनकर। और मैंने कहा ना कि 1,000 रुपए में अगर वो पिथौरागढ़ से चलकर पंतनगर तक आ रहा है तो ये बदलाव की कहानी दिखा रहा है, और ये देख नहीं सकते और ये बता भी नहीं सकते। बदलाव नीचे जिस तरह से हो रहा है, मैंने कहा ना भ्रष्टाचार का एक उदाहरण गिनाइए, किसान सम्मान निधि में जिसको 2,000 मिलता हो उसको इस पूरे देश में 1,999 रुपया 99 पैसा किसी एक आदमी को मिला हो, चुनौती देता हूं मैं आपको। जनाब झूठ के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ। देखो पिथौरागढ़ से पंतनगर अभी देख लो, चैलेंज झूठ और सिर्फ झूठ। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, तुम राजनीति छोड़ दो। देखिए वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का वादा, छोड़ के दिखा दो आप। अभी देख लो 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया, 2 करोड़ कहाँ गया, 1 साल में 2 करोड़, 10 साल में 20 करोड़। अपने सवाल पर टिको। पिथौरागढ़ से पंतनगर 1,000 रुपए में ट्रेवल हो रहा है, सिर्फ बेवकूफ। देखिए जनता हिसाब ले रही है, जनता हिसाब मांग रही है, अब हिसाब मन बना चुकी है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोला है, धोखा दिया है जनता को। नहीं देखिए ये जो बात शुरू हुई थी राम उग्रे जी ने बात कही थी, उस बात को लेकर यहाँ पर जो कहा जा रहा था, उन्होंने उनकी बात का पॉइंट ये था कि वो प्लेन से आ रहे थे और वहां पर कोई कंपनी के कोई सीईओ वगैरह मिले थे उनको, और उन्होंने ये बात कही उनसे कि जो लोग हैं हमको स्किल लोग चाहिए और योग्य लोग चाहिए। यहाँ पर थोड़ी देर पहले आपने जो IIIT के बच्चे लाए गए थे, और इसके अलावा इकोनॉमिक्स और जो यहाँ पर लोग हैं उन सारे लोगों ने, डॉक्टर अग्रवाल ने भी वही बात कही। मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि हमारे देश में जो बेरोजगारी है उसकी बड़ी कारण यही है कि हमारे पास हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी फॉल्टी है कि वो नौकरी नहीं दिला पाती है, और नौकरी चाहने के लिए जो स्किल चाहिए वो जिसके पास है वो आज के दौर में कतई बेरोजगार नहीं है। जी मैं आया। जी जनाब। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, अभी कह रहे राशन में घोटाला हो रहा है, 20 किलो मिलना चाहिए तो 17 किलो अंदर दिया। अंदर 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 हम कहे सपा के हैं चाहे कांग्रेस के हैं, बड़े जुलाब सच्चाई। नंबर नाम क्या? लालजीत यादव। राजनीत? लालजीत यादव खेल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बोलिए सर, हम पूछना चाहते हैं। नहीं, वहां जो बोल रहे थे भाई, चुपचाप रहो। ये क्या बात है अमित? नहीं नहीं बोलिए सर। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार, जीरो टॉलरेंस। केवल आपके चैनल पे अखबारों में हेडलाइंस है, धरातल पे जाके देखिए, थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, तहसील में चले जाइए, लेखपाल से लेके SDM तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों नहीं जाइए, गाँव में जाइए, तहसील में जाइए, थाने पे जाइए, तब पता लगेगा, केवल लखनऊ से पता नहीं लगेगा। पानी दो। बहुत गर्मी है, सच में आ रहा हूं मैं। यादव जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि एक आदमी को बताइए पूरे देश के अंदर जिसे किसान सम्मान निधि में 1 पाई कम मिली है, एक बताकर दिखा दीजिए। दूसरी बात, हम जो ड्रेस देते हैं, हम जो जूते मोजे देते हैं उसका पैसा अकाउंट में दे रहे हैं, आपके समय में एक जूता मिलता था और दूसरा जूता नहीं मिलता था, हमने बदलाव किया, गरीब का अकाउंट खोला और उस अकाउंट में पैसा डाला। एक आदमी बताइए इस देश में खोज के जिसको 1 टका कम मिलता हो, हमने व्यवस्था को बदला है। एक आदमी को बुलाइए जिसका बिना अंगूठे की छाप लगे राशन मिल जाता हो, ये व्यवस्था में बदलाव किया है। 2013 देखिए हम ये कहना चाहते हैं, सर ये जो कह रहे हैं
इन्हीं का अखबार और यही सरकार कही कि तमाम लोग किसान निधि जो पात्र नहीं थे वो ले लिया है। रुको, धीरे बोलो, धीरे बोलो। अरे भाई रुको यार, गर्मी ज्यादा है, उमस, अरे उमस ज्यादा है, उमस ज्यादा है। आप, आपका परिचय क्या है? लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। बीजेपी में? मैं बीजेपी में भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ और सबके साथ हूँ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2013 में माननीय सोनिया गांधी जी खाद्य अधिनियम लाई थी, जिसके तहत 2013 में खाद विधेयक अधिनियम बना था, और 2014 में जब बीजेपी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा खाद विधेयक अधिनियम ये मेरा लाया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, 2013 का ये खाद विधेयक अधिनियम बना और राशन कांग्रेस सरकार ने फिर की। एक मुद्दा दूसरा है, जो राष्ट्रीय लोक दल का आज ये लबदा ओढ़े खड़े हैं, तो माननीय अखिलेश जी ने जयंत चौधरी को MLC बनाया और कितने दिन तक, एक साल तक सड़कों पर किसान हमारा लेटा रहा, दिल्ली में बैरिकेडिंग लगी रही और कोई FIR दर्ज नहीं हुई, और वही वही भाला गड़ा रहा। और सुनिए, वही सुप्रीम कोर्ट में FIR सुप्रीम कोर्ट के द्वारा FIR अजय मिश्र टेनी पे किया गया, और उसके बावजूद बीजेपी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को दोबारा टिकट दिया और कितनी महिला औरतों के साथ बलात्कार किया माननीय ब्रजभूषण सिंह ने, और जैसे ही पश्चिम में चुनाव खत्म हुआ उनके लड़के को। विपक्ष ने अगर अपना काम ईमानदारी से कर लिया होता तो आज हमारे देश का युवा जो गुमराह हो रहा है आपके यहाँ, आपके शो पे आके, वो गुमराह ना होता। आप विपक्ष की स्थिति देखिए, जब मौका मिलता है चौथे स्तंभ पे बोलने का तो कांग्रेस नदारद हो जाती है। कोई बात काम से गए, देखिए काम से गए। ये क्या बोलेंगे, ये किसानों के नेता बन रहे थे, किसान मार दिए गए, शहीद हो गए, ये तब नहीं खड़े हुए, आज किसानों के नेता बन रहे थे। हम ही तो खड़े थे किसानों के साथ। देखिए प्रदीप जी, असहमति और सहमति ये दोनों मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे दोनों पक्ष है, लेकिन 4 जून को पता लगेगा कि इस देश के अंदर असहमति ज्यादा है या सहमति ज्यादा है। ठीक है, मैं बहुत देर से, हमारे सपा के भाई ने, मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरे सपा के भाई ने ठंडा पानी पी लिया आपने इस बीच में, बहुत बड़ी उंगली उठाई थी कि यहाँ जो भी बैठे हैं सब बेरोजगार हैं। मैं जवाब दूंगी, कृपा करके चुप रहे, मेरी बात सुने। आज अभी बस सिर्फ इतना, लखनऊ का मूड अब बदल चुका है, इसलिए हमारा जाना यहाँ से ज्यादा बेहतर रहेगा। आज अभी बस सिर्फ इतना। जनता करती मन की बात।